हे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो यार आज है सैटरडे और आप लोगों को पता ही है सैटरडे को होता क्या है। सैटरडे को होता है अपना ब्लॉगिंग डे, मतलब सैटरडे क्या सैटरडे संडे मिक्स जो भी डे अपने को फ्री मिलता है। और अपने को तो इस बार 3 दिन मिले यार, सैटरडे संडे एंड मंडे, 3 दिन छुट्टी है अपनी भाई। लॉन्ग वीकेंड है, जाने को कहीं जा सकते थे बट उत्तराखंड में आप लोगों को पता ही है अभी भी या तो डबल डोज हो या फिर COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट हो, बट अपने पास दोनों में से भी कुछ नहीं है बिकॉज फर्स्ट डोज ली है। सेकंड डोज का टाइम अभी आने वाला है 3rd of September के बाद में। फिलहाल आज करते हैं थोड़ी डस्टिंग वगैरह मॉर्निंग से। आज मैंने उठ के यार सुबह सुबह सबसे पहले तो आज मेड आई नहीं थी तो काम वगैरह स्टार्ट करा था। और यहाँ पे देखो मैडम बिकॉज ऑलरेडी मैंने बताया जैसे कि झाड़ू पोछा तो ऑलरेडी मैं लगा ही चुका हूँ, है ना मैडम? लगा रहे हो ना? तुमने लगाए झाड़ू पोछे? तो किसने लगाया है? कट करूंगा मैं, मतलब ये कट करूंगा, झूठ बोल रही है। मैंने झाड़ू पोछा, पूरी मेहनत लगी है, पसीने पसीने हो गया था पता है आप लोगों को, मतलब ये टी शर्ट चेंज करी है मैंने, इतनी स्वेटिंग हुई थी आज मॉर्निंग में काम करने के। तो भाई सैटरडे है, छुट्टी है तो सोचा जाए मूवी देखी जाए। तो मैं सोच रहा हूँ गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग, पता नहीं कैसी है, मैंने देखी नहीं बट रिव्यू मैंने सुने तो अच्छे हैं, बट रिव्यू ऊपर देखो तो 5.1 ही मिला यार इसको। तो चलो देखते हैं यार क्या मिलता है, बिकॉज सैटरडे यार थोड़ा रेस्ट भी होना चाहिए ना। संडे कल है, कल अपने को एक दो छोटे मोटे काम और भी करने वैसे आज भी हैं, तो देखते हैं यार। अभी फिलहाल 10 o'clock हो रहे हैं यार। नाश्ते में क्या बना रही है आज? देख रहे हो माँ होती है ना, माँ एकदम पहले रेडी रखती है और अभी इस मैडम ने डिसाइड भी नहीं करा है, बता ना। देखा दूसरी बार पूछ लिया तब भी नहीं बता इसको, पर चलो ठीक है बताओ ना क्या खाओगे। बना ले यार कुछ भी बना ले। कुछ भी बना ले यार, 10 बज रहे हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। पहले तो मेरे लिए कॉफी बना के लिए, टीना गई है कॉफी बनाने और आज लेट हो गए थे सोके उठने में, तो पक्षियों का दाना नहीं डल पाया था यार, तो मैं इतने पक्षियों का दाना देकर आ जाता हूँ। सैटरडे को ऐसे करने के लिए कुछ होता नहीं है बिकॉज ये होता अपना रेस्ट डे। अब रेस्ट डे पे क्या करना चाहिए, एकदम राजा महाराजा की तरह आराम करना चाहिए भाई, आराम। ये है क्या तेरी का है? मेरा मन नहीं करता था, क्यों नहीं यार? अरे तो नाश्ता बना लिया? नहीं। क्यों? क्या खाओगे? तीसरी बार पूछ रही क्या खाओगे, बताओगे तभी तो कुछ बनाऊंगी। जो तेरा मन करे बना ले, मेरे को 10:30 बज रहे हैं, मेरे को 11 बज, आधे घंटे में रेडी हो जाऊंगा, मुझे 11 बजे चाहिए नहीं नाश्ता। मैं सही बता रहा हूँ, हर वीकेंड की तरह मेरे को इस बार ये घास फूस से चाहिए, स्प्राउट्स वगैरह बना लियो ढंग से, मतलब पराठा वगैरह को सब्जी वगैरह बना ले। आधे घंटे में तो नहीं बना पाएगी तू, बट चल ठीक है एक आधा घंटा और एक्स्ट्रा दिया बना ले। तो यार टीना खाना बनाए ना बनाए बट कॉफ़ी सीरियसली बहुत ही अच्छी बनाती है, कुछ अलग तरीके से बनाती है, चीनी घोल पानी पता नहीं मिक्स करके कुछ, बट सीरियसली कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है यार। कभी टाइम मिला तो दिखाऊंगा प्रिपरेशन किस तरीके से करती है घुमा घुमा के, बट बहुत सब चीज़। तो भाई अपन तो बस नहा धो के हो चुके हैं रेडी, फिलहाल अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं मैडम ने क्या क्या बनाया। भरता, बैंगन का भरता। तूने जिंदगी में भरता कम बना रखा है क्या, मेरी जो भरता भरता बनाती है बार बार। इतना तो अच्छा बनाया मैंने, अब तो पता नहीं खा के पता चल। ले आई क्या पराठा, भरता एंड दही। भरते के अलावा कुछ और था? भरता भरता भरता, जिंदगी में भरता ही भरता रह गया है और आज इसने फिर भरता बनाया। ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा आज, मुझे लग रहा है बाहर। खाना तो भाई टेस्टी बना रखा है लेकिन भाई भरता, वैसे जिंदगी में कम भरते हैं क्या जो भरते ही भरता खाते रहे, बट चलो कोई शाम में और ऑर्डर करते हैं। लेकिन बेटा तेरते दिलाऊंगा पैसे, तूने बनाया ना भरता ये। तो यार अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन हो चुका है, छोटी मोटी चीज़ें कुछ है काम वाम वगैरह करने के लिए। सर एक तो ना अपनी बैक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम क्या, एक तो वर्क फ्रॉम होम आपको पता ही होगा, जब से वर्क फ्रॉम होम है यार बैक की ना एकदम बैंड बजी पड़ी है। फिलहाल अभी चलते हैं यार टेबल चेयर वगैरह देखने, बिकॉज अभी पता नहीं वर्क फ्रॉम होम कब तक रहे, बोल तो रहे हैं जनवरी तक, बट यार अपने ना नैक में पीछे हो रही है, पीछे पूरी बैक में बहुत प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर को सोचा था दिखाने के लिए बट टाइम ही नहीं मिला यार दिखाने के लिए, बट सोचा पहले डॉक्टर को दिखाने से पहले ये काम करा लेते हैं अपना। टीना मैडम हो चुकी है रेडी तो निकलते चले भाई यार, आज होने वाली है अपनी बाइक राइड, बिकॉज बाइक से जा रहे हैं देखने, वहाँ पे यार गाड़ी वगैरह का बहुत प्रॉब्लम है, अंदर गलियों वगैरह में से निकल के जाना है जहाँ पे अपने को टेबल चेयर देखना है। तो
चलो दिखा दो आपको बाइक राइड भी आज। तो यार अपने पास कैश तो था नहीं, तो भी कैश निकालना है पीछे, तो टीना गई है निकालने, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता, बिकॉज पहले से एक जगह गए थे वहां तो अवेलेबल था नहीं। निकल गए हाँ ये वाली भी वैसे ठीक है ना, ऊपर नहीं हो सकती, ऊपर हो सकती है लीवर है इसमें। अरे ये है बैठ के देख, कंफर्टेबल है। सही है तो एक तो अपने ने भैया ये शू रैक दिखाई है ना अपने, ये वाली तो ये देख लेते हैं, और बाकी टेप आप चेयर अभी करा के दे रहे हो ना। तो अपना सामान निकल गया है, टेबल ये और एक शू रैक और है, तो मिलते हैं भैया से और चलते हैं। यार अपने ने खरीदी है दो चेयर, एक टेबल और एक रैक। ये शॉप का नाम क्या आपकी? त्यागी फर्नीचर, और ये सोपोटा रोड पे, लोनी रोड पे पड़ी है। मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत रीजनेबल प्राइस है, आप आके प्लीज एक बार जरूर चेकआउट करना। अंकल मिलते हैं फिर। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल मैंने रख लिया, बाकी अगर कुछ हो वैसे दिक्कत आएगी नहीं, बट फिर भी कुछ हुआ तो कॉल कर लूंगा मैं आपको। ठीक है अंकल थैंक यू। 10,000 रुपए का चूना लग गया अपने को, टेबल चेयर प्लस एक शू रैक और लानी थी, एक्चुअली शू वगैरह के लिए दिक्कत थी। ये क्या लेकर आई है? फिर घास फूस आज आज तक ने भैया कसम खा रखी है सुबह से, मुझे कुछ ढंग का नहीं खिलाना है बेटा। मैं जोमेटो से सच बता रहा हूँ, 5 बजे ऑर्डर जरूर करूंगा, तेर से पैसे दिलवाऊंगा। हेल्दी खाना है तो यार कभी चीट डे भी चलना चाहिए। आज मैं सारा हेल्दी मुझे ही खिलाएगी ये हेल्दी हेल्दी के चक्कर में ना, ये तू मेरे से लग रहा खत्म फिनिश करवाना चाह रही है सारी चीजें, ये ना कि दोबारा से मूंग की दाल चने वगैरह सब ना आए। तो ये चीजें पता खाने के साथ किसके साथ अच्छी लगती है चीजें, आपको तो पता ही होगा, नॉर्मल नहीं वो समझेगा जिसके साथ अच्छी लगती है सब चीजें। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और डेली व्लॉग्स हैं यार रैंडम्स हैं, कुछ चेंजेस कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन पीस।